फैट और हॉट कपल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं। अर्जुन और मलाइका एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए देखे जाते हैं। जब भी जहां भी स्पॉट किए जाते हैं अर्जुन और मलाइका साथ में, दोनों ही अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री के जरिए हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। फैंस इंतजार कर रहे हैं अर्जुन और मलाइका की शादी का। जहाँ एक तरफ मलाइका अर्जुन के साथ इस वक्त रिश्ते को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ मलाइका एक बेटे की मां भी है। जी हां, अरहान खान के साथ मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट में रहती हैं मलाइका अरोड़ा। अक्सर अपने बेटे अरहान के साथ वह कहीं ना कहीं स्पॉट भी की जाती हैं। मलाइका अरोड़ा एक वक्त मैरिड लाइफ को बेहतरीन तरीके से बिता रही थी। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के भाई फेमस डायरेक्टर एक्टर अरबाज खान के साथ, लेकिन मलाइका और अरबाज साल 2017 में एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। ऐसे में देखा जाए तो मलाइका ने अरबाज के साथ तलाक को लेकर एक बार फिर से अपने दिल के दर्द को बयां किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। वेल, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए किस तरह से मलाइका ने तलाक को लेकर अपने दिल की बात शेयर की है। मलाइका ने बताया है कि तलाक के बाद वह किस तरह से उस दर्द से उभरी थी। देखिए ये रिपोर्ट। बिटाउन की पॉपुलर एक्ट्रेस और मॉडल मलाइका अरोड़ा अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं। मलाइका ने अपने प्रोफेशनल करियर में सफलता हासिल की, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। मलाइका अरोड़ा बिंदास लाइफ जीती हैं और अपनी बिंदास अंदाज के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं। मलाइका अरोड़ा अक्सर बातचीत करती हुई नजर आती हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। इन दिनों मलाइका एक्टर अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं, लेकिन अर्जुन कपूर से पहले मलाइका अरोड़ा एक्टर अरबाज खान के साथ अपनी मैरिड लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। 12 दिसंबर साल 1998 में अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा शादी के बंधन में बंधे थे। उस वक्त मलाइका अरोड़ा 25 साल की थी, लेकिन बता दें आपको शादी के कुछ साल बाद ही मलाइका अरोड़ा मां बन गई। साल 2002 में 9 दिसंबर के दिन मलाइका ने बेटे अरहान खान को जन्म दिया। ये शादी 19 साल तक ही चली और बाद में मलाइका और अरबाज एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। साल 2017 में मलाइका और अरबाज ने तलाक ले लिया और उस वक्त मलाइका ने काफी कुछ सहा, काफी कुछ झेला था और उस वक्त मलाइका ने किस तरह से खुद को संभाला था। रिसेंटली मलाइका ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बातचीत की है, अपने दिल के दर्द को छलकाया है। मलाइका ने अपने इंटरव्यू में कहा है, मैं अपने निजी संघर्षों से गुजरी हूँ। मलाइका कहती है कि तलाक के रिपीट मैं अलगाव से गुजरी हूँ, मुझे पारिवारिक दबावों का सामना करना पड़ा। मैं इससे गुजरी कि मेरा बच्चा इससे कैसे निपटेगा, मैं इससे कैसे निपटूंगी, सोसाइटी का रिएक्शन कैसा होगा, क्या मैं काम कर पाऊंगी, ये सारे विचार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था, क्योंकि यह मेरे जीवन में बहुत बड़ा उथल पुथल भरा हुआ था। बदलाव से मुझे डील करना था, इसमें केवल मैं शामिल नहीं थी, इसमें मेरा परिवार भी शामिल था, मेरा बच्चा भी शामिल था, इसमें और भी कई पहलू थे। मलाइका कहती हैं कि जैसा कि मैंने ये कहा, ये फैसला मेरे आसपास के लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाला था। जब इसे मैं कहती हूँ कि आखिर में हम दो लोग थे, एक कपल के रूप में, एक पति और एक पत्नी के रूप में हमने मिलकर फैसला किया जो कि सही था, लेकिन निश्चित रूप से ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल भरा हुआ
लेकिन निश्चित रूप से ये मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल भरा हुआ दिन था, जहां मैंने शायद योगा मेडिटेशन की ओर रुख किया। इससे मुझे मदद भी मिली है। इस तरह से मलाइका अरोड़ा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने तलाक को लेकर अपने दिल के दर्द को छलकाया कि कैसे उनके परिवार पर असर पड़ा, कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव देखे और उनका सामना किया है। इस रिपोर्ट में आपने देखा जाना कि मलाइका ने अपनी लाइफ में कितना कुछ सहा है, लेकिन आज भी मलाइका ट्रॉलिंग का सामना करती हुई देखी जाती हैं। और जब वह ट्रॉलिंग का सामना करती हैं, तो अपने इंटरव्यूज में भी अपने दिल की बात शेयर करती हुई देखी जाती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।